तमिलनाडु में एक भयंकर ट्रेन हादसा हुआ है। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे के पास खड़ी एक ट्रेन में भयंकर आग लग गई, जिसमें 10 लोगों के मरने की खबर है, साथ ही 20 घायल हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई। आग लगने की सूचना सुबह लगभग 5:15 बजे एक निजी पार्टी कोच के अंदर मिली, जब ट्रेन मदुरै यार्ड में खड़ी थी। ट्रेन के आसपास के डिब्बों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दमकल गाड़ियों को तुरंत बुलाया गया और सुबह लगभग 7 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। निजी पार्टी कोच ने 17 अगस्त को लखनऊ से अपनी यात्रा शुरू की थी और रविवार तक उसे चेन्नई पहुंचना था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग सिलेंडर फटने से लगी है। जानकारी के मुताबिक जिस कोच में आग लगी उसमें लखनऊ के करीब 65 यात्री सवार थे। जब कोच यार्ड में खड़ा था तो कुछ यात्रियों ने कथित तौर पर चाय और नाश्ता तैयार करने के लिए अवैध रूप से तस्करी किए गए रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया, जिससे आग लग गई।